सो नॉर्मली दार्जिलिंग का जो नाइट लाइफ है वो जल्दी से ही शुरू हो जाता है और जल्दी ख़त्म हो जाता है। मतलब बाकी सारे सिटीज़ की तरह नहीं है कि देर रात तक यहाँ पे चकाचौंध रहता है, देर रात तक दुकानें खुली रहती है, देर रात तक बार और पब्स खुला रहता है, ऐसा नहीं रहता। दार्जिलिंग में जो बार्स और पब्स है नॉर्मल जल्दी खुलता है, अपने अपने टाइमिंग पे ही खुलता है, बट बार का जो क्लोजिंग टाइम है वो भी जल्दी से ही ख़त्म हो जाता है। मतलब 9:30-10 बजे तक सारा बार ऑलमोस्ट क्लोज हो जाता है, तो यहाँ का नाइट लाइफ जल्दी शुरू होता है, जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो चूँकि ये कोरोना टाइम है तो मैं हालांकि खास एक नाइट लाइफ शेयर नहीं कर पाऊँगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू शो यू द नाइट लाइफ ऑफ दार्जिलिंग। और सो लेट्स सी एंड हैव अ ग्लिम्स ऑफ नाइट लाइफ। सिर दर्द का दवा लूँगा, सेरिडोनों का क्या, 2 सेरिडोन दीजिए। चेंज है मतलब 5-5 जैसे भी 10 इधर आओ। ये तो मैंने अपने हेडेक का दवा ले लिया है। एक्चुअली ये हेडेक का मुझे बहुत पुराना प्रॉब्लम है। नेपाल में भी मैं जब काठमांडू पहुंचा था तो मैं हेडेक से जूझ रहा था। सिरदर्द का बहुत पुराना प्रॉब्लम है, तो हमेशा मैं ये हेडेक का पिल्स अपने साथ लेके चलता हूँ, बट इस बार मैंने अपने साथ लिया नहीं था, तो मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। और मुझे लग रहा है शायद मुझे भी एक अभी पानी देखता हूँ, पानी पीकर भी अपना हेडेक का पिल्स एक ले लूँगा, उसके बाद होगा, रिज्यूम होगा रिकॉर्डिंग। क्योंकि जब तक सिर में हेडेक रहता है, हेडेक मीन्स सिर में दर्द रहता है, तो यार शूटिंग हो नहीं पाता है, व्लॉगिंग वो ठीक से हो नहीं पाता है। So behind me you can see the famous restaurant Glenarys and आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं GLENARI ग्लेनरी, आप ठीक मेरे पीछे देख रहे होंगे ग्लेनरी। ये है वन ऑफ द, आप नाइट लाइफ को इन्जॉय कर सकते हैं। ये एक्चुअली एक रेस्टोरेंट है, काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है, जहाँ पे मैं पिछले अपने उस वीडियो में मैं ग्लेनरी का एक वीडियो भी बनाया था। और एक्चुअली ये पब भी है, तो यहाँ पे आप अपना ड्रिंक्स भी इन्जॉय कर सकते हैं और यहाँ के नाइट लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और तो मैं रिकमेंड करता हूँ ग्लेनरी। और रोटी वोटी मिलेगा ले लिए ले लिए कौन सा रोटी, लच्छा पराठा है, रोटी का है नॉर्मल तवा रोटी है सर। तवा रोटी कहाँ पे दिखाई, यहाँ पे मेंशन नहीं है, प्लेन रोटी। ओके ओके, चिकन करी वगैरह कहाँ है, ये रहा चिकन करी 185। तो इस होटल का नाम है महाकाल। एक्चुअली हम यहाँ पे रोटी खोज रहे थे, चपाती खोज रहे थे, बट रोटी चपाती कहीं भी मिल नहीं रहा था। और जहाँ भी मैं जा रहा था तो सभी बोल रहे थे महाकाल में चल जाइए, आपको महाकाल में मिल जाएगा। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं महाकाल मंदिर नहीं है, महाकाल रेस्टोरेंट है। तो मैं जहाँ भी रोटी खोजने जा रहा था तो सारे लोग यहीं पर रिकमेंड कर रहे थे, आप महाकाल चल जाइए, वहाँ पर आपको रोटी मिल जाएगा। 2 दिन हो गया रोटी खाए हुए, तो रोटी खाने का बड़ा मन कर रहा था। एक्चुअली मैं निकला था यहाँ का नाइट लाइफ को इन्जॉय करने के लिए, बट कोरोना का जो सिचुएशन है, नाइट लाइफ का तो बात ही छोड़ दीजिए। तो सोचा खाना पैक करवा के सीधा रूम पे चलते हैं। और यहाँ आसपास में भी बहुत सारे रेस्टोरेंट होटल्स हैं जहाँ पे आप अपना रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं। मेरे ठीक पीछे ही है केवेंटर, और उस तरफ है महाकाल, इस तरफ है चाणक्य, सामने है ग्लेनरी, और छोटे बड़े सारे तरह के रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे। और अब सीधा हम अपना खाना पैक करा के अपने रूम पे जाते हैं और नाइट लाइफ को गोली मारते हैं। सो
गाइज अभी मैं इस वक्त हूँ दार्जिलिंग में और मेरा ये जैकेट देख के आपको समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ पे कितना ठंड पड़ रहा है और साथ में ये रजाई, तो यू कैन इमेजिन हाउ ओल्ड दार्जिलिंग इज। मेरे गेट में से पता चला होगा रजाई और कंबल वगैरह। तो एनीवे मेरा डिनर कंप्लीट हो चुका है तो, और अभी मैं अलार्म सेट करने जा रहा हूँ। खैर मैं अलार्म सेट कर लूँगा, अभी मैं अपडेट दे देता हूँ। सुबह 4 बजे मुझे उठना है और 4:30 बजे मुझे यहाँ से निकलना है और मैं निकलूँगा टाइगर हिल के लिए। जी हाँ, मेरा प्लान है टाइगर हिल जाने का, टाइगर हिल सनराइज़ देखने का। तो भाई गुड नाइट, अब लाइट वाइट ऑफ करते हैं, सो जाते हैं और क्या, लेकिन कल सुबह उठना भी है। कल सुबह उठना मॉर्निंग गाइज। सुबह का 4:30 बज रहा है और आज है 11 तारीख 11 अक्टूबर और सुबह 4:30 बजे इतना सुबह उठने का कारण ये है क्योंकि अभी हमारा टाइगर हिल जाने का प्लान है और टाइगर हिल से हम कंचनजंगा का सनराइज देखना चाहते हैं, तो इसलिए इतना सुबह हम उठ चुके हैं। और रूम पे ही मैंने इंस्टेंट कॉफ़ी मैंने तैयार कर लिया है। तो आज मुझे अपना सॉक्स अपने स्लीपर के साथ ही पहनना पड़ेगा क्योंकि मेरा जो फ़ोन है, हेलो, हाँ 7440 ओके हम आते हैं। तो बाहर ड्राइवर वेट कर रहा है, एक्चुअली गाड़ी बाहर खड़ा हो चुका है। तो एनीवे मेरा जो, मैं चप्पल का बोला था, तो आज मुझे जो अपना सॉक्स है वो अपने स्लीपर के साथ पहनना पड़ेगा क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं अपना जूता अपने ट्रेन में ही भूल गया। और कैसे भूला, एक लॉन्ग स्टोरी है। हालांकि ये ऐसा मेरे साथ होता नहीं है, मैं जब भी सोलो ट्रैवल करता हूँ तो मेरा कोई भी बिलोंगिंग्स कहीं पे छूटता नहीं है। तो आज चप्पल से ही काम निकालते हैं, तो फटाफट रेडी होके निकलते हैं बाहर। चलिए तो चलिए अब निकलते हैं सनराइज देखने। चंदन चश्मा देना तो क्या? तो चलिए अब फटाफट निकलते हैं। सनराइज़ के लिए लेट तो हो चुका हूँ, देखते हैं कितना मिलता है सनराइज़। और यही है, अभी हम टाइगर हिल पे ही, तो अभी मैं टाइगर हिल पे ही हूँ। नहीं, थोड़ा लेट, फिर भी देख पाए लेट। हल्का जब स्ट्राइक करता है ना पहला वाला, तो एकदम रेड हो जाता है, वो हम लोग सीन मिस करते हैं। वो वाला नहीं देखा, जैसा मोबाइल में देखा था कल रात को, अच्छा नहीं दिखाई दिया।
सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पहली बार दिन के शुरुआत में ही गुड बाय बोलना पड़ रहा है क्योंकि ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। हमारा जो टाइगर हिल दार्जिलिंग में टाइगर हिल से सनराइज़ देखा और दूसरी बार मतलब दोनों बार मुझे अच्छा से दिख गया। कई लोग आते हैं 7 बार आते हैं 8 बार आते हैं लेकिन एक बार भी ये सनराइज़ देख नहीं पाते क्योंकि मे बी ड्यू टू क्लाइड डस्की वेदर रहता है, क्लाउड रहता है, इस वजह से सारे लोग ये एक्सपीरियंस नहीं ले पाते हैं। बट यू नो मैं अपना लक अपने साथ लेके चलता हूँ, वो अंडरवियर वाला लक नहीं, वो दूसरा वाला लक। तो चलिए अब गुड बाय कहने का वक्त आ गया। और इस सीरीज़ में और भी सारे वीडियोज़ है, ऊपर आई बटन पे है और यहाँ पे थंबनेल में भी आपको मिल जाएगा। सो गुड बाय। Yeah, hit me!